आपके साथ। पिछले सप्ताह भर से हड़ताल पे बैठे एम्बुलेंस कर्मियों को मिल सकता है संतोषजनक जवाब। वेतन भुगतान को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है एम्बुलेंस कर्मी। 10 सूत्री मांगों को लेकर एनजीओ के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जल्द खत्म हो सकता है हड़ताल। इसका रुझान अब तक का आज 8वां दिन हड़ताल का है। दिनांक 27 अगस्त से हम लोग हड़ताल पर थे और निरंतर चल रहा है। अब जो है एनजीओ की तरफ से कुछ बात मानने योग्य बात हुई है, लेकिन पूर्णतः अभी संतोषजनक बात नहीं हुई है। संतोषजनक बात होने पर हम लोग हड़ताल समाप्त कर देंगे। ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आज बात बन जाए। अगर बात बन जाएगी तो हो सकता है कि आज से हम लोग अपने ड्यूटी पर लग जाएंगे सभी कर्मी, और हड़ताल टूट भी सकती है। अगर बात नहीं बनी, सम्मानजनक बात नहीं हुई, तो हड़ताल जारी रह भी सकता है। अच्छा, इतने दिनों से जो हड़ताल चल रहा है, या 8वां दिन है, इसमें मरीजों को कैसी परेशानी हुई है? जी, मरीजों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन इसका सारा जवाबदेही एनजीओ के ऊपर जाता है और जिला प्रशासन भी उसमें कहीं ना कहीं दोषी है। चूँकि इसका हमने अपने डिमांड को एनजीओ को तो दिया ही है, साथ साथ जिला प्रशासन को भी हमने सौंपा है। जैसे सिविल सर्जन महोदय हैं, आरपीएम महोदय हैं, जिला पदाधिकारी महोदय हैं, और उप विकास आयुक्त डीडीसी साहब हैं, उनको भी हमने दिया है और पत्र के माध्यम से पहले भी अवगत कराया है कि हुजूर, हम लोग जो कार्यरत हैं 8 घंटे के जगह 12 घंटा लगातार, यानी 24 घंटा कंटिन्यू कार्यरत रहते हैं सभी कर्मी, और गाड़ी जो है सेवा देते रहती है पब्लिक का, और निरंतर सेवा दे रही थी और आगे भी निरंतर सेवा देगा। लेकिन जो भूखे रह करके जो कि जिसके लिए हम कमा रहे हैं, बाहर से भी लोग आकर के यहाँ कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम भी भूखे रहेंगे, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो रास्ते में जो जिनको हम सेवा देते हैं उनको हम क्या बचाएंगे? जब हम ही खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे और ड्यूटी नहीं करने लायक रहेंगे, तो सामने वाले मरीज़ को हम क्या जान बचा पाएंगे? जिनको कि हम जान बचाने का काम करते हैं, और गर्भवती माता को या नवजात शिशु को सर्वप्रथम उसको प्राथमिकता देते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो इसका तो जवाबदेही सरकार को भी लेनी चाहिए कि भाई, जो एम्बुलेंस कर्मी है उनको जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई, उनका पेट भरने लायक कम से कम उसको उतना राशि दे जो कि अपने बाल बच्चे के साथ जीवन यापन कर सके और सही से वो कार्य भी कर सके और सेवा देते रहे। आज का जो हड़ताल है, ये हमारा 10 सूत्री मांग के लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे है मुख्य रूप से, हमारा बकाया वेतन जो कि किसी कर्मियों का 6 महीना का बकाया है, तो किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, और एनजीओ के द्वारा जो चलाया जा रहा है एम्बुलेंस, तो ये ठेका प्रथा जो है बहुत ही खराब स्थिति में गुजर रही है। किसी को ना तो तनख्वाह समय पर देता है, ना कोई सुविधा देता है। एम्बुलेंस भी जो है ज़्यादातर खराब रहती है, समय पर मरम्मती नहीं कराई जाती है। अगर मरम्मती भी होती है तो हल्का फल्का काम चलाव करा करके छोड़ दिया जाता है। इसके विरुद्ध में हम लोग कई बार आवेदन भी दिए हैं और जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दिए हैं कि व्यवस्था सही से नहीं चल रही है, इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और ठेका प्रथा के विरुद्ध हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्य रूप से हमारा ये मांग है। इसके साथ कई अन्य मांग है, जिसमें EPF हम लोगों को नहीं मिला है, और एक्सीडेंटल जो मिलना चाहिए। अभी हम लोग दूसरे को बचाने का काम करते हैं, दूसरा का जान को सुरक्षित करने का काम करते हैं, और खुद असुरक्षित हैं। सड़क पर चलने वाला आदमी 24 घंटा चलते हैं और लोगों को जान बचाने का काम करते हैं। लोग एक्सीडेंट करते हैं रोड पर, तो सबसे पहले डॉक्टर से भी पहले हम सेवा देकर उनका जान बचाने का काम करते हैं, बाद में डॉक्टर साहब उनको जान बचाते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की? जी हाँ। उसमें क्या मिला था? उसमें केवल आश्वासन मिला था, जो कि बिल्कुल झूठा साबित हुआ, जबकि लिखित रूप में एनजीओ के द्वारा दिया गया, हम लोग को आश्वस्त किया गया कि 10 दिन के अंदर सभी आप लोग जो भी डिमांड है, मांग है, वो पूरा कर दिया जाएगा और सुचारू रूप से सारा कार्य चलेगा। लेकिन सब का सब झूठा साबित हुआ और सारा धाराशाही रह गया,
कोई कार्य नहीं हुआ। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? जी हाँ बिल्कुल सौंपा है। हमने किसे सौंपा है? हमने कंपनी को, एजेंसी को भी सौंपा है और जिला पदाधिकारी महोदय को भी इसका प्रतिलिपि दिया है, सिविल सर्जन महोदय को भी दिया है और जिला स्वास्थ्य समिति के जो DPM साहब हैं उनको भी दिया है। इस तरह के हड़ताल में मेरा नाम क्या नुकसान है? इस तरह का एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिला शाखा पूर्णिया। इस तरह के हड़ताल में पब्लिक को क्या परेशानी हो सकती है अगर आप लोग काम पर नहीं लौटे? ये पब्लिक की तो परेशानी हो सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी सारी जवाबदेही कंपनी की होगी। क्यों कि मैंने कंपनी को बार बार पत्र के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से आगाह किया है कि हुजूर हमारा जो भी डिमांड है उसको पूरा किया जाए, जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए ताकि हम भूखे पेट ना रहें और पेट जब मेरा भरेगा तो निश्चित रूप से हम सही से काम करेंगे, सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन उन्होंने समय पर हमको पैसा नहीं देते हैं और जिसके वजह से हम लाचार हो जाते हैं, पैसा हमको नहीं मिलता है, कर्ज लेकर के हम खाते हैं, दुकानदार हमको तंग किया करते हैं कि पैसा दो और मजबूर होकर के हम क्या करेंगे तो हड़ताल करते हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगा? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है और जरूरत पड़ी अगर 2-3 दिन के अंदर मैं सरकार को और कंपनी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि अगर 2-3 दिन के अंदर मेरा मांग पूरा नहीं किया गया, अगर विचार नहीं किया गया तो हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं।